नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर, इसकी ऑफिशियल आंसर की को लेकर। दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके अपडेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और ज्यादातर के जो डाउट निकल के आ रहे थे कि हमको किस प्रकार चेक करनी है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमारे पास पेपर नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे और कहां से चेक करें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो अपनी दोस्तों आंसर किया ऑफिशियल आंसर की वो चेक नहीं कर सकते। मतलब कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ऑफिशियल आंसर किया क्योंकि कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है, वो चेक नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जो पेपर लीक का मामला है, कौन कौन सी तारीख का पेपर है दोस्तों वो रद्द हो गया, वापिस से लगेगा, सभी मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले तो दोस्तों मैं मामला उठा लेता हूं, जो पेपर लीक का मामला है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। जो पेपर लीक हुआ है वो लीक हुआ है 14 मई, जो सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं दोस्तों, 14 मई का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था दोस्तों। लगभग दोस्तों सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया था, तो वो पेपर है वो दोस्तों क्या हो गया, फर्जीवाड़े कारण उसको दोस्तों रद्द कर दिया गया है। अब वापस से आपको नई डेट मिलेगी। अब वो डेट कब तक मिलती है दोस्तों, जैसे मिलेगी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ अभी तक दोस्तों जो न्यूज आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि 14 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो पेपर को निरस्त कर दिया गया है। वापस से उन बच्चों की एग्जाम लगेगी 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट वालों की। जो आप कमेंट कर रहे थे उनका मैंने जवाब दे दिया। अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों ऑफिशियल न्यूज की तरफ। दोस्तों जो आपके ऑफिशियल आंसर की को लेकर जो डाउट आ रहे हैं वो क्लियर कर देता हूं। ज्यादातर मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। आपके पास पेपर नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको परीक्षा हॉल में से OMR शीट की दोस्तों जो नीचे की एक कॉपी दी गई थी, उस कॉपी यदि आपके पास है तो आप दोस्तों मिला सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। अब वो कैसे मिलानी है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो आंसर की है वो साइट के ऊपर डलेगी। अब कब तक डलेगी दोस्तों, 4-5 दिन में डल जाएगी। वहां दोस्तों आपकी जो भी सीरीज है वो सीरीज का आपको पेपर वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों सीरीज ABCDE जो आपकी सीरीज आई थी, उस सीरीज का पेपर आपको उसी दिन का, उसी शिफ्ट का डाउनलोड करना पड़ेगा। और तब आपको जो आपकी OMR शीट की जो कॉपी थी उसमें से मिलान करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है और कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। तो ज्यादातर का जो डाउट आ रहा था कि किस प्रकार से चेक करना होगा वो मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो दोस्तों चेक ही नहीं कर सकते कि उनके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। जिनके पास दोस्तों जो OMR शीट की जो आपको एक प्रिंट दी गई थी, दोस्तों जो एक कॉपी दी गई थी, यदि आपके पास वो कॉपी नहीं है तो आप चेक नहीं कर सकते कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। तो किससे मिलान करोगे, न तो आपके पास पेपर है दोस्तों, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन सही है। यदि आपके पास दोस्तों वो जो आपको दी गई थी OMR शीट के नीचे दोस्तों जो कॉपी थी वो आपको दी गई थी, यदि आपके पास वो है तो आप दोस्तों पता लगा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन तो सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो आएगा वो यही आएगा कि ऑफिशियल आंसर की कब तक साइट के ऊपर डल जाएगी। तो दोस्तों आपको 4-5 दिन के अंदर साइट के ऊपर डाल दी जाएगी आपकी आंसर की। और जैसे दोस्तों डाली जाएगी, सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको मैं उपलब्ध करा दूं, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था कि ज्यादातर मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि हमारे पास पेपर तो है नहीं तो हमको कैसे मिलान करना पड़ेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। तो मैंने आपको बता दिया जो आपकी OMR शीट है दोस्तों वो तो आपकी वहां पर दोस्तों उन्होंने ले ली होगी, लेकिन जो नीचे की दोस्तों जो तीसरे नंबर की कॉपी है जो आपको दी गई थी उससे आपको मिलान करना पड़ेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। यदि आपने दोस्तों उसको घेर दिया है या कहीं भी गुम हो गई है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो इसलिए मैं बोलता हूं जो भी आपको दोस्तों OMR शीट के नीचे जो कॉपी दी गई थी उसको फेंक मत देना, उसको फाड़ मत देना, उसको गुम मत कर देना, उसी से आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और लगभग दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही है वो आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही है और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर से आते हो और आपकी परीक्षा किस तारीख को थी, यह आपको कमेंट करके जरूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।